अभी हम लोग एक छोटा सा गांव देखिए क्रॉस कर रहे हैं, जहाँ पे अभी भी मिट्टी का घर सब है। ये सब दोस्तों हमारा गांव में तो मिट्टी का ही घर था, जितना घर था सब मिट्टी का था। सिर्फ हम लोग को डर लगता था बरसात में। यहाँ से 100 किलोमीटर सुल्तानगंज है, सुल्तानगंज से जल उठा के आते हैं यहाँ बाबाधाम में अगर डालते हैं, पैदल चलते हैं रोड पर। दोस्तों मेरा खाना आ गया है, देख सकते हैं आज का खाना हमारा भिंडी भुजिया है और ये है तो खैर पनीर का है। और दोस्तों आप लोग का एक कमेंट आ रहा था कि मेरा गाड़ी के लेके जब सब गाड़ी लिए थे आप लोग क्या मतलब बचत है क्या इस चीज़ लेकर के, तो बचत तो है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे ब्लॉग में आप सभी का फिर स्वागत है। दोस्तों पिछला ब्लॉग में हम लोग देखे थे कि हम लोग बिहार से बंगाल का माल भरे थे, तो बंगाल का सफर तो हमारा तो चल ही रहा अभी तक हमारा। अभी हम लोग झारखंड में आ गए, सुबह सुबह 7 बजे हम लोग झारखंड आ गए थे और आने के बाद अभी चल ही रहे हम लोग। और अभी हम लोग जमुई और देवघर के बीच में है और बहुत ही देखते थे खुला जगह इस साइड में है, पूरा खुला खुला मैदान, कोई फैक्ट्री नहीं प्लांट नहीं, एकदम हवा तो खैर चल ही रहा है और कोई फैक्ट्री प्लांट प्रदूषण नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। जब से हम कोडरमा से घुसे इस रोड में ना पूरा खुला ही खुला जगह मिल रहा है। इस रोड पर हम काफ़ी दिन बाद आ रहे हैं, बहुत पहले हम नागपुर गाड़ी लेके आया करते थे, इधर से ही हम भागलपुर जाते संतरा लेकर के, तो उसमें देखा रोड वगैरह ख़राब था, तो अभी देखा रोड तो हर जगह बन गया है। तो बहुत ही आनंद लग रहा है यहाँ पर हमको और बहुत ही अच्छा लग रहा है, खुला खुला जगह पर देख सकते कितना अच्छा हवा भी चल रहा है। दोस्तों आज हम लोग शाम तक पहुँच जाएंगे, लेकिन शाम में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, पार्टी बोला कि आपको कल ही माल खाली होगा, तो खाली हमको कल ही करना है, इसलिए थोड़ा आराम चल रहे हम लोग और ज़्यादा सफ़र रहा भी नहीं। तो बहुत दिन बाद इस मेरा गाड़ी भी जो है देवघर जाने वाला है, कि देवघर होके ही हम लोग गुजरने वाले हैं, बाबा धाम का नगरी है वो नगरी होते हुए निकलेंगे। तो ठीक है दोस्तों निकलते हैं यहाँ से, देवघर आने वाला भी आगे, यहाँ ज़्यादा नहीं 40 किलोमीटर और रह गया है। दोस्तों सुबह जब से हम लोग चले तब से हमारा सफर कंटिन्यू ही है, कहीं हम लोग रुके नहीं, बस एक जगह रुके थे नाश्ता करने के लिए, घाटी उतरे थे कोडरमा वाला और उसके बाद से फिर हमारा सफर चल ही रहा है। और यहाँ से करीब देवघर मात्र 30 किलोमीटर और बचा हुआ है, अभी हम लोग थोड़ी देर में देवघर भी इन कर जाएंगे। अभी हम लोग एक छोटा सा गाँव देखिए क्रॉस कर रहे हैं, जहाँ पे अभी भी मिट्टी का घर सब है। ये सब देख के बहुत अच्छा लगता है, मिट्टी का घर बहुत ठंडा भी रहता है। हमको याद है जब हम लोग छोटा थे, हम करीब 4 या 5 साल के, 6 साल तक जब तक थे तब तक वहाँ हमारे गांव में जामतड़ा में भी मिट्टी का घर था, जिसके अंदर हम लोग बहुत खेलते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि बहुत तूफान जब आया था तो मिट्टी घर का हमारा एक दीवार गिर गया था, उसके बाद से हम लोग उसमें जाना बंद कर दिए थे। और बाकी जो अभी हमारा नया वाला रूम है जामतड़ा में जो, उसी में रहते थे, उधर जाना फिर बंद हो गया था हमारा। लेकिन पहले उस रूम में हम लोग रहते थे ना तो बहुत अच्छा लगता था, मजा आता था, ठंडा ठंडा रूम पूरा। दोस्तों हमारा गाँव में तो मिट्टी का ही घर था, जितना घर था सब मिट्टी का था। सिर्फ हम लोग को डर लगता था बरसात में, ये पानी अगर कहीं जम गया है तो मिट्टी पिघलता था उससे वो दीवार गिर जाता था। तो पहले बारिश भी बहुत ज्यादा होता था, इतना ज्यादा बारिश कि पूरा खेत वगैरह भर जाता था। तो हम लोग तो खैर छोटा थे, मान लो को डर लगता था कि पानी भर गया है दीवार गिर जाएगा। बारिश खत्म होने के बाद बहुत ऐसा देखते थे कि उसका दीवार गिर गया, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा था। अब तो खैर पक्का घर बहुत सा हो गया, मेरे पिताजी बनाए थे मिट्टी का ही घर बनाए थे वहाँ पे, और उसमें क्या था कि बहुत अच्छा ठंडा लगता था। ये गर्मी के समय में ऊपर में खपड़ा दिया हुआ था, बिचाली का भी बहुत सा घर था, बहुत ही आनंद लगता था। और ये सब एरिया में आ रहे ना तो ये सब एरिया में देख रहे वो सब घर ना, तो हमको अपना याद आ जाता है गाँव का। और इसी टाइप का खुला खुला जगह हमारा भी गाँव था, दो चार घर यहाँ है तो फिर मतलब कि 100 मीटर के बाद दो चार घर है, फिर आधा किलोमीटर में दो चार घर है, उस टाइम में पहले घर रहा करता था। अब तो इतना सड़ सड़ के घर बन गया कि मतलब पूरा शहर बन गया, वो गांव उसको बोल ही नहीं सकते, अब शहर बन गया। इस एरिया में देख रहे हैं कि पानी का इधर भी थोड़ा दिक्कत है, तो नहीं तो इधर भी खेती बाड़ी अच्छा होगा, क्योंकि खुला खुला खुली जमीन दिख रहा है। दोस्तों अभी हम लोग देवघर आ चुके हैं बाबा धाम के नगरी में, तो अभी यहाँ से हम लोग को लेफ्ट लेना पड़ेगा। ये क्या है कि अब यहाँ से बाईपास स्टार्ट हो जाएगा, अंदर सिटी तो हम लोग नहीं जा सकते, बाईपास से ही निकलना पड़ेगा। दोस्तों अभी हम लोग बाईपास से निकल के हसडिया वाले रोड पे आ चुके हैं, तो अभी यहाँ से सीधा हसडिया हम लोग को जाना है, तो थोड़ा सा मार्केट है अभी बीच में। दोस्तों अभी देखिए यहाँ पे सब लोग कैसे करके जाते हैं मंदिर पे, ये देखिए ये लोग दोस्तों मन्नत मांग के आते हैं, पूरा दंडवत प्रणाम करते करते जाते हैं मंदिर तक, इतना श्रद्धा हो जाता है ना बाबा जी से, तो सब लोग इतना कुछ दिल खोल के मतलब जाते हैं बाबा जी के दर्शन करने के लिए। हम भी गए थे बहुत बचपन में ही, उसके बाद अभी तक हम लोग गए नहीं है। पापा तो पहले गाड़ी लेके इधर आते थे तो हमेशा जाते थे, पापा और फंटू संकल, तो देखेंगे कभी टाइम मिला ना तो हम लोग भी जरूर फिर से जाएंगे बाबा जी का दर्शन करने के लिए, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आकर। दोस्तों अभी निकलने के बाद एक और बाजार मिला है, काटिए
तो अभी शाम के टाइम में क्या है कि बहुत ज्यादा भीड़ हो जाता है, सब लोग आते हैं सामान लेने के लिए। ये देखिए सब्जी मार्केट है, ये सब्जी मार्केट जहाँ रहता है वहाँ भीड़ और भी ज्यादा लग जाता है। दोस्तों अभी हम लोग देवघर पार कर गए हैं, थोड़ा फाका ही मिला इस बार क्योंकि यहाँ पर जो है ना सावन का महीना माने से ना बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहता है और पूरा एकदम गेरुआ बस धारण वाला सारा आदमी, इतना पब्लिक है, दुकानदार है, सब वही सब बना पूरा दिखेगा वही कलर का, बहुत ही अच्छा लगता है। लोग यहाँ पर यहाँ से 100 किलोमीटर सुल्तानगंज है, सुल्तानगंज से जल उठा के आते हैं और यहाँ बाबा धाम में अगर डालते हैं, पैदल चलते हैं रोड पर, और रोड पर हर चीज़ का व्यवस्था मिलेगा आपको, टेंट मिलेगा बैठने के लिए, गर्म गर्म पानी पैर धोने के लिए, सारा चीज़ मुफ्त सेवा ऐसे फ्री में होता है। सावन का महीना बहुत ही आनंद आता है, लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, एमपी से, यूपी से, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो हम जब भी यहाँ आए ना आंदिना ही आए हैं, गाड़ी लेकर हम जब भी आए तो बाबा धाम में हम भी गए, मंदिर गए हम भी, यहाँ का माल लेकर आए, पूजा भी की हम लोग जा करके, लेकिन हम सावन महीना में बहुत पहले आए थे, उसके बाद हमको आने का मौका नहीं मिला। तो ठीक है कभी भी आएंगे हम सावन महीना में जरूर, जल तो हम भी चढ़ाएंगे क्योंकि हम भी बगल का ही रहने वाले हैं, अभी तक हमको मौका ही नहीं मिला, जब भी सावन महीना था हम बाहर ही रहते थे। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम जो मेन रोड पकड़ेंगे ना वही वाला मेन रोड है जो हम लोग दुमका से भागलपुर जाते थे, गुवाहाटी वाला रोड, वो आने वाला रोड, वहाँ से रोड पकड़ लेंगे सीधा निकल जाएंगे दुमका के लिए, जो हम लोग जामतड़ा होकर आते थे गुवाहाटी के लिए वही रोड आने वाला है। अब दोस्तों अभी रात के 9 बज चुके हैं और हम लोग दुमका सिटी अभी आ चुके हैं, तो ये बाईपास में अभी हम लोग गाड़ी लगा दी है यहाँ पे, तो यहाँ पे होटल है, अभी थोड़ी देर में जाएंगे खाना खाने के लिए। तो इससे आगे हम लोग नहीं गए क्योंकि 50 किलोमीटर बस बचा है, यहाँ से 50 किलोमीटर जाएंगे तो हम लोग कंपनी के पास पहुँच जाएंगे, तो ऐसे भी हमारा गाड़ी खाली खाली होने वाला था, तो अब आराम से यहाँ से निकलेंगे। दोस्तों अभी खाना खाने आ गए हम लोग और ऑर्डर भी मार देख सकते हैं, यही होटल है, इसी होटल पर गाड़ी लगा दी है, पीछे तरफ पार्किंग है और वहीं पर खड़ा कर दिया, तो हम लोग खाना खा के यहीं पर सोने वाले हैं। पार्टी से मेरा बात हुआ तो पार्टी बोला था कि आराम से आइए, बाहर का मैंने मेन रोड में कहीं खाली होगा, कोई नॉन ट्री वगैरह कोई लफड़ा है नहीं, बाहर बाहर ही खाली होगा, और वहाँ रुकने लायक जगह नहीं था वहाँ पर। तो दोस्तों दोपहर में हम लोग खाना भी नहीं हुआ था और नहीं होने कारण क्या है, खाना खाने का तो मन ही नहीं करता, इतना ज़्यादा गर्मी है और गाड़ी में हम लोग बना भी नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा गर्म हो जा रहा है, तो हम पानी खाली ठंडा पानी जो है यही पानी पी कर पेट भर जा रहा है, तो खाना खाने का मन ही नहीं करता। हम पूछते सागर से कि खाना खाएगा तो बोला कि नहीं पानी इतना पी लिए कि पेट भर गया है, ऐसे भी दोपहर के टाइम में नहीं मन करता, सुबह सुबह नाश्ता टाइट हो जाता है ना तो फिर दोपहर का खाना जो है हम लोग कैंसिल हुए, एक ही बार रात में होता है। अभी देखिए मौसम भी ठंडा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, तभी हम लोग खाना भी खा लेंगे, थोड़ा दो रोटी ज़्यादा भी खा लेंगे चलेगा हम लोग का, क्योंकि रात का समय है, अभी ठंडा मौसम भी है, गर्मी में तो एकदम हालत ख़राब हो जा रहा है। दोस्तों मेरा खाना आ गया है, देख सकते हैं आज का खाना हमारा भिंडी भुजिया है, और ये है तो खैर पनीर का है, और ये हमारा भिंडी भुजिया है, साथ में इतना वैरायटी रहता है ना, चटनी भुजिया वगैरह ये सब सब, तो इसे क्या है कि सब्जी भी कम रहता तो अपना काम चल जाता है, भुजिया चटनी जितना ले सकते हैं आप ले सकते हैं यहाँ। दोस्तों ये भिंडी भुजिया तो है, और थोड़ा सा क्या है कि गर्मी में थोड़ा दही खाना चाहिए, दही पेट के लिए अच्छा होता है, ठंडा होता है, तो जहाँ मिल जाता है ऑर्डर देते हैं। ये मेरा दही भी आ रहा है, ये देखिए चीनी डाल दिए, पूरा गल जाएगा ना, फ्रिज में रखे थे ठंडा है, चलिए दही खाने से तो अच्छा है गर्मी दिन में, तो इसलिए खा लेते हैं। दोस्तों पनीर तो खा लिए, चलते दही खाने, दही भी बहुत अच्छा मिला, ठंडा भी है और ज़्यादा खट्टा भी नहीं है, शक्कर तो खैर डाला ऊपर से हल्का सा लेकिन ज़्यादा खट्टा भी नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों मेरा खाना तो हो गया, अभी हम जा रहे थे गाड़ी पे ही, तो हमारे कुछ सब्सक्राइबर भाई लोग भी आ गए, वो लोग भी यहीं पे खाना खाते होटल पे, तो बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिल करके, आप लोग एक लोकल ही सब है ना, चलिए भैया बहुत अच्छा लगा, हम लोग को पता चला होटल वाले बता दिए ना, चलिए बहुत अच्छा। और एक चीज़ और बता दे रहा है कि हम मेरे पिताजी ड्राइवर थे, आप लोग को पता है, पहले बस चलाते हम देखते देखे नहीं थे बस चलाते हुए, ट्रक चलाते देखे थे, लेकिन उनका बस का भी नाम लाहा था, लाहा बस, लाहा बस जो लाहा होटल देख रहे हैं ना, हम तब से वही चीज देख रहे थे कि यहाँ लाहा होटल लिखा हुआ है। हमारे पिताजी भी, मतलब माँ बोलती थी, पिताजी बोलते थे कि मतलब लाहा बस चलाते थे दुमका से, और ये जामतड़ा उधर कहीं चलता था, हाँ लाहा बस बोल के चलता था, अपना ही होटल है, हाँ तो वही हम देखे थे, हमको याद आ गया वही चीज, अपना जैसा ही, हाँ कि मेरे पिताजी भी लाहा बस बोल के चलाते थे वहाँ। दोस्तों अभी हम लोग खाना खा के आ चुके हैं और सारा पर्दा लगा लिए हैं, अब जा रहे हैं हम लोग सोने के लिए, बिस्तर हमारा रेडी हो गया, पापा इधर सोते हैं और हम ऐसे करके इधर सो जाते हैं, पंखे का हवा डायरेक्ट आता है, पीछे वाला खिड़की भी खोल लेते हैं, बाकी बस हम लोग ये दोनों खिड़की थोड़ा सेफ्टी के लिए बंद रखना पड़ता है। तो ठीक है दोस्तों हम लोग सोते हैं यहाँ से, सुबह सुबह 4 बजे निकलेंगे, तो मिलते हैं आप लोग से सुबह। दोस्तों अभी सुबह 7 बज रहा है और हम लोग वहाँ 4 बजे सुबह ही निकल गए थे, तो अभी हम लोग बंगाल आ चुके हैं, तो बंगाल में इस रोड पे क्या रहेगा, जाम लगता ही है, ये रोड पर देख सकते हैं अभी हम लोग जाम में खड़े हैं, हमको लग रहा आधा घंटा हो गया, अब क्या चीज़ का जाम में पड़े, तो फाटक था तो हम लोग फाटक में, तो हमको लग रहा ब्रिज बन जाना चाहिए इतना दिन में, तो ब्रिज बन गया कि क्या चीज़ का जाम में, आगे से भी गाड़ी नहीं आ रहा है,
होसदा रेलवे का ही कोई हो, तो देखते हैं कितना जाम खुला। हमको यहाँ ज़्यादा दूर नहीं जाना, मात्र 6-7 किलोमीटर जाना है। और ये मेन हाईवे रोड हो गया, जैसे कलकत्ता से गुवाहाटी लोग जाते हैं तो वही मेन हाईवे रोड है। इसमें आपको दुर्गापुर भी मिल जाएगा, पानागढ़ वगैरह सब मिल जाएगा इसमें। और दोस्तों, आप लोग का एक कमेंट आ रहा था कि मेरा गाड़ी के लेके जब सब गाड़ी लिए थे आप लोग क्या मतलब बचत है क्या इस चीज़ लेकर के, तो बचत तो है क्योंकि गाड़ी में थोड़ा सा एक तो माइंड भी फ्री है और बचत भी ठीक है। तो हमारा 33,000 रुपये जो किस्ती है वो दे करके हमारा मतलब खाने पीने का रास्ता जो भी खर्चा है और हमारा जो जैसे गाड़ी हम चलाते जब हम ड्राइवरी करते थे उस हिसाब से भी हमारा 20-25 हज़ार ऐसे बचता था मेरा। तो उस हिसाब से कभी कम कभी 20 कभी 15 इस टाइप का किस्ती दे करके सारा खर्चा काट करके मेरा ये मतलब जो ड्राइवरी का जो बचत है वो मेरा आ जाता है। 10-15-20 अच्छा भाड़ा मिला तो अच्छा ज़्यादा ही बच जाता है, और लॉन्ग टूर का मिल जाता है तो उसमें अच्छा बचता है क्योंकि लॉन्ग टूर में भाड़ा थोड़ा ज़्यादा रहता है और खर्चा वगैरह उतना रहता नहीं है और समय बचता है सबसे बड़ी बात। और लोकल में क्या होता है कि एक दो दिन वहाँ खड़ा रह गए फिर 2 दिन बाद खाली किए फिर एक दिन खड़ा हो गया, इसमें थोड़ा सा समय मार जाता है। और जब लंबा भर लेते हैं तो समय का भी कुछ नहीं, सिर्फ अपना चलाने के ऊपर है, गाड़ी चलाओ जितना जल्दी पहुँचेंगे उतना खाली करें फिर दूसरा माल लोड करेंगे। तो ये हम एक ट्रिप का बता रहे हैं, ऐसे तो महीने का तो करीब 3-4 ट्रिप लग ही जाता है, कभी लंबा रहा तो अलग बात है कभी छोटा लगा तो अभी देख रहे छोटा ही चल रहा है। अभी हम टाटा से ठीक गए थे उधर गुवाहाटी, और गुवाहाटी के बाद हमको लॉन्ग नहीं मिला डायरेक्ट, तो वहाँ से आए बिहार, बिहार से फिर आए अभी बंगाल, तो इस टाइप में थोड़ा अब यहाँ खाली करने के बाद अब यहाँ से कहाँ का प्लानिंग हो क्या होगा खाली करने के बाद ही मालूम चलेगा हमको। तो दोस्तों, फायदा तो है मेरा, अच्छा खासा पैसा भी बच जा रहा है और अपना गाड़ी है तो अपना भी समय से चला रहे, पहले भी जितना भी गाड़ी चला है अपने ही समय चलाते थे, अब तो खैर अपना हो गया तो बहुत ही ध्यान देकर चलाना पड़ रहा है, बहुत ऐसा रूट पर देख के चलना पड़ रहा है कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रखना है गाड़ी काम के विषय। तो ठीक है दोस्तों, मेरा देखिए लाइन बढ़ रहा है अभी, थोड़ा देखते हैं अभी बढ़ते हैं हम भी। दोस्तों, अभी जाम तो फिर से लग गया है, खुल नहीं रहा है। ये देखिए अभी सामने से क्या कि थोड़ा बहुत गाड़ी आना स्टार्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा भी टाइम लगने वाला है यहाँ पर, लाइन तो बहुत लंबा दिख रहा है, कार वगैरह सब जाम में फंसे हुए। अभी सामने से गाड़ी आ रहा है, लग रहा है फिर हम लोगों को छोड़ेगा। ये देखिए हमारा गाड़ी अभी यहाँ पर फंसा हुआ है, पीछे भी लाइन पूरा लंबा बढ़ गया। अभी एम्बुलेंस भी आ गया, अभी एम्बुलेंस भी जाम में फंस जाएगा बेचारा। अभी तो चालू हुआ आगे से गाड़ी आना, लगता अब धीरे जाम खुलेगा। ये ओवरटेक कर चलते थे, ओवरटेक जो बस है ये सब को दिक्कत हो जाता है। अरे ओवरटेक करके एम्बुलेंस जाए तो कोई बात नहीं है, तो जरा एम्बुलेंस भी आकर फंस गया यहाँ पर। दोस्तों, जहाँ खाली करना मात यहाँ थोड़ी दूर रह गया, लेकिन जाम से अभी तक निकले नहीं हम लोग, देख सकते जाम में अभी भी हम लोग फंसे हुए हैं। यहाँ पर क्या है कि हम लोग थोड़ा दिक्कत होता है नेटवर्क का लेकर के, जहाँ जाएंगे पता नेटवर्क मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यहाँ थोड़ा बहुत मिल रहा है हम लोग को, देखते हैं हो सकता है जाम में रहते हमारा ब्लॉग अपलोड हो जाए। दोस्तों, यहाँ खाली करने के बाद आप लोग आगे का सब देखने को मिलेगा। इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।